मैं टैलेंट हंट के मंच से आप सभी अभिभावकों एवं जो इस आयोजन के आयोजनकर्ता हैं और उसमें जो बढ़ चढ़कर की भागीदारी लिए हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, जैसा कि समय का प्रतिबंधित समय कुछ मिला है, उसमें बहुत सारी बातें करनी है। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे पहले आए और अपनी अपनी बातों को रख करके गए, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर इतनी सारी बातें कही गई, अगर आपको एक बात लग जाए, हमारी बहने और बेटियां बैठी हुई हैं इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी, अगर एक बात लग जाए उनका जीवों को भी मैं कहता हूं और उन बच्चों को भी मैं कहता हूं जो जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनका भाग्य बदल जाएगा। इसका इतिहास गवाह है, आप लोग पाठ में पढ़ते होंगे, शायद ये प्राइवेट स्कूल के बुक में नहीं हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा बाबा भारती की कहानी। बाबा भारती की कहानी ने एक शब्द, बाबा भारती के एक शब्द से खड़ग सिंह डाकू जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बदल गया था। एक बात लग गई थी और वो बात शायद आप लोगों को याद होगी कि यह बात किसी दूसरे से कहना मत, नहीं तो दिल दुखियों पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और यह बात खड़ग सिंह को सुधरने पर मजबूर कर दिया था। महात्मा बुद्ध के एक बात से अंगुलिमाल का चरित्र बदल गया था। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें कही गई, अगर उसमें से एक बात भी अगर आप लोगों को लग जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी स्वभाव और आप लोगों का भी लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अंगुलिमाल से महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, और एक शब्द ही उनके दिशा और दशा को बदल दिया। मैं उन गार्जियनों से भी कहना चाहता हूं और अपने नन्हे मुन्हे बेटियों और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल कविताएं आप लोगों ने सुना है और उसमें एक हरिवंश राय की कविता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे सौ बार फिसलती है, मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न पखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता की अंतिम पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या भूल रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो उठाया गया प्रयास है, यह पहला कदम है। मैं इस मंच से और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि यह तो आज एक गांव में हो रहा है, यह प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो और एक दिन ये इतना बढ़े कि देश स्तर तक भी जाए।